साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको अब स्पेशल एलडीसी हाई कोर्ट एग्ज़ाम 2023 की रिवीजन क्लास हमारी चल रही है, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास। आज हम पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो कल मैंने 7 बजे आपको 1 पार्ट दे दिया रिवीजन क्लास का, आज अपने चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 2 की, नंबर 2। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मात्र 15 में आपको करंट अफेयर्स में यहाँ पे रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बाहर न जाए। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का। हाल ही में अंडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने किस राज्य में पवन टर्बाइन को स्थापित किया है? तो अंडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने किस राज्य में पवन टर्बाइन को स्थापित किया? ये किया है गुजरात राज्य में। कहाँ पर किया है? गुजरात राज्य में किया है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु को किस राज्य का प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 मिला है? अब मैंने इसमें जितने भी जो पोर्टल है, लॉन्च है, जो भी लॉन्च हुए हैं, पुरस्कार है, खेल खिलाड़ी, सब आपको यहाँ पे एक साथ में ही रिवाइज करवाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, ये है केरल राज्य की, ठीक है। तो ये केरल राज्य का प्रतिष्ठित है एजुथाचन पुरस्कार 2022 इनको मिला है। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कौन थी? अब ये इस तरह के आजकल ज़्यादातर क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रकार थी संगीतकार, कौन थी? ये संगीतकार थी। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में शुभकांत पांडा किस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये शुभकांत पांडा है, ये बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। किसके बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। हो सकता है ये एग्ज़ाम के अंदर टपक सकता है। 5, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा कर दी, ये कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या है, गौरव सम्मान की घोषणा कर दी गई, तो ये कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? ये 5 को दिया जाएगा। कितने? 5 को दिया जाएगा। 6, देखो, भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अब ये इस तरह भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप के अंदर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। 7, देखो, एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ हैं मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया, ये किस देश के हैं? तो मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया, और ये किस देश के हैं? पाकिस्तान की। किस देश के हैं? ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। 8, देखो, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगेगी? अब ये मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन टपकेगा, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगेगी? तो ये लगेगी उज्जैन शहर में। किस शहर में लगेगी? उज्जैन में लगेगी। 8, हाल ही में भारत ने 7 को सी वी रमन की कौन सी जयंती बनाई है? अब ये तारीख आपको याद रखनी है, 7 किसकी? सी वी रमन की। कौन सी जयंती बनाई है? 134वीं। कौन सी बनाई है? 134वीं बनाई है। अगला, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए? तो ये किए हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये प्रदान किए गए। अगला देखो, कौन सा संगठन चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा? तो वो खोलेगा इसरो। कौन खोलेगा? इसरो। क्या है? चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा। नेक्स्ट देखो, अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया है कोच्चि केरल में। कहाँ पर किया गया है? कोच्चि केरल के अंदर किया गया। अगला देखो, लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में कौन सा देश शामिल होगा? ये भी क्वेश्चन आपके लिए शानदार टपक सकता है कि लंदन में अब की बार क्या है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट आयोजन किया गया, इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? तो वो हुआ है अपना देश भारत। कौन सा हुआ है? अपना देश भारत। अगला देखो, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस देश में पीएम मोदी पर 2 का विमोचन किया है? तो कौन अपने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस देश में? तो इन्होंने किया है संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ पर है संयुक्त अरब अमीरात में पीएम मोदी पर 2 का विमोचन
किया है। 15 नंबर, भारत ने अक्टूबर में किस से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया है। अब ये आर्थिक समीक्षा से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर टपक सकता है, तो रूस देश से ध्यान रखना। किससे? अक्टूबर मंथ में क्या है कि रूस से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया है। अगला देखो, प्रमोद भगत और मनीष रामदास ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो, भारतीय नौसेना ने किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया है। भारतीय नौसेना ने किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया? तो ये लिया है जापान में। कहाँ पर है? जापान देश में। अगला देखो, गेम शो ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है। तो ये किस देश ने किया है? ये किया है ईरान ने। किसने किया है? ईरान देश के द्वारा गेम शो ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया गया है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा या किया गया है। तो ये गोवा राज्य में हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा शानदार है कि 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर किया गया? गोवा राज्य में आयोजित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस देश में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो ये करेंगे, ध्यान रखना, कहाँ पर है? कंबोडिया में। किस में? कंबोडिया देश के अंदर क्या है? आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला देखो, कौन सा राज्य 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा? बड़ा ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। तो कौन सा करेगा? वो करेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा करेगा? उत्तर प्रदेश 2023 के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा। अगला देखो, कौन सा देश 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? ये भी शानदार है, ये भी टपक सकता है। तो वो है अपना देश भारत। हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर ये भी टपक सकता है कि 2023 के अंदर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत देश करेगा। हाल ही में पहली बार किस संस्थान से निजी रॉकेट लॉन्च होगा? अब ये भी शानदार क्वेश्चन आपके लिए। हर एक पर्सन आपके लिए चुन चुन के मैंने शानदार तरीके से क्वेश्चन लिए हैं। तो श्रीहरिकोटा से, ठीक है, श्रीहरिकोटा से निजी रॉकेट लॉन्च किया जा चुका है। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना है। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना है केरल। कौन सा राज्य? केरल राज्य बना है। किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 मिला? अब ये पुरस्कार भी मैंने साथ में ले लिए हैं। तो किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कृष्ण राजा चामराजा को। किसको? कृष्ण राजा चामराजा को मिला है। 26 नंबर देखो, किस शहर में इंडियन नेशनल क्रैक्टोग्राफिक्स एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है देहरादून में। कहाँ पर किया है? उत्तराखंड के अंदर है देहरादून, वहाँ पर इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक्स एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन होगा? तो टेलीमेडिसिन 18वां जो होगा वो होगा कोची केरल में। कहाँ पर होगा? कोची केरल के अंदर। नेक्स्ट देखो, किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की है? और ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम के अंदर सीटी के अंदर टपक भी चुका है। अभी आगे ध्यान रखना, खास तौर से हो सकता है रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो वो किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है, कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की है। अगला देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? ये भी स्टार लगा सकते हो, क्योंकि दक्षिण भारत की आपसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूछे पीएम मोदी ने, तो वो कहाँ से की है? बेंगलुरु शहर से। कहाँ से? बेंगलुरु शहर से। अगला देखो, किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? तो ये किस शहर में होगा? वाराणसी के अंदर। कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला देखो, मेरीलैंड में एलजी का पद संभालने वाली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? मेरीलैंड में एलजी का पद संभालने वाली पहली महिला बनी है अरुणा मिल्लर। कौन बनी है? अरुणा मिल्लर बनी है अभी। अगला देखो, किस देश के खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के
विश्व नंबर वन ATP खिलाड़ी बने हैं। तो ये किस देश के हैं? स्पेन देश के, ध्यान रखना स्पेन देश के खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस शहर में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो गार्ड ऑफ ऑनर किस शहर में मिला? पेरिस में। ये शानदार क्वेश्चन है, पेरिस में इनको सम्मान मिला है। 34 नंबर देखो, किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने जीता है। कौन सा राज्य लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान पर रहा है? यह भी क्वेश्चन शानदार है कि कौन सा राज्य लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान पर रहा, और वो है मणिपुर। कौन सा राज्य रहा है? मणिपुर रहा है। पीएम मोदी ने किस शहर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर के अंदर डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? ये किया है ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। NTPC की टीम ने 47वें ICQCC 2022 में कौन सा पदक पुरस्कार जीता है? NTPC की टीम ने 47वें ICQCC 2022 में कौन सा पदक पुरस्कार जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता? ये भी क्वेश्चन शानदार तरीके से आपको पता है, CET 12वीं लेवल पर क्वेश्चन ये टपक भी चुका है, शानदार क्वेश्चन है। तो इन्होंने जीता है कौन सा कांस्य पदक जीता है? कौन सा जीता है? कांस्य पदक है जीता है। एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने कांस्य पदक जीता। अगला देखो, किस उपन्यासकार को 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया खालिद जावेद को। किसको दिया गया है? खालिद जावेद को प्रदान किया गया। किस व्यक्ति को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। किसको किया गया है? दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? स्टार लगा सकते हो आप, शानदार क्वेश्चन है। तो किसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो ये किस शब्द को किया भी? ये किया है होमर शब्द को। किसको किया है? होमर शब्द को किया है। अगला देखो, आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु सरकार कितनी अकादमियां स्थापित करेगी? तो आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु सरकार कितनी अकादमियां स्थापित करेगी? 100 करेगी। कितनी करेगी? 100 अकादमियां स्थापित करेगी। कौन सी राज्य सरकार प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट बनाएगी? कौन सी राज्य सरकार है प्रदेश के अंदर रामायण और महाभारत सर्किट बनाएगी? तो ये बनाएगी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। कौन सी? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। ये क्वेश्चन टपक गया अभी, CET के अंदर ये टपक चुका है। 53वें इफी फिल्म फेस्टिवल में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर टपक चुका है, चिरंजीवी। हो सकता है आगे फिर ये आपको देखने को मिल सकता है। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया है? स्टार लगा लो। तो ये कितने दिए हैं? 39 विद्यालयों को। कितने? 39 विद्यालयों को क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए हैं। अगला, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंडक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। अगला देखो, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 के अंदर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इस तरह भी क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम में टपक सकता है। तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का 61वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 61वां स्थान है। भारत ने 15वीं एशी एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 15वीं एशी एयरगन चैंपियनशिप के अंदर कितने जीते हैं? 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस खिलाड़ी ने छठा ATP फाइनल खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने छठा ATP फाइनल खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। भारत के किस पत्रकार को COVID-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसको दिया गया भी? ये दिया गया है दानिश मंजूर भट्ट को, ऑप्शन नंबर डी। दानिश मंजूर भट्ट को क्या है? पत्रकार है ये, उनको कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु
जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, किया है यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन का शुभारंभ किया है। भारत के लिए उर्वरकों के लिए सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में कौन सा देश उभरा है? ये भी आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है, तो ये है रूस देश। कौन सा? रूस देश है वो सबसे बड़ा उर्वरकों में सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। किस व्यक्ति को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये रवि कुमार सागर को पूछा जा सकता है। रवि कुमार सागर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के स्वच्छ पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? शानदार क्वेश्चन आपके लिए, तो ये दिया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को क्या है? संयुक्त राष्ट्र के स्वच्छ पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भारतीय वायुसेना का जो इस आयोजन है वो किया गया है नागपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया है? नागपुर के अंदर किया गया है। गिरिराज सिंह ने किस शहर में सर्च आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, सर्च मेले 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर किया है। गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये भी आपको याद रखना है, गरुड़ शक्ति 2022 भारत और इंडोनेशिया के बीच में। किसके बीच है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगला देखो, फिक्की के द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो फिक्की के द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राजेंद्र पंवार को। किसको दिया गया है? राजेंद्र पंवार को। किस संगठन के द्वारा नवंबर में PSLV C54 या EOS 6 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? अब ये नाम आपको सीधे सीधे एग्जाम में टपक सकता है नवंबर महीने में, तो ये इसरो के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया इसको। अगला देखो, JNPA ने किस IIT के सहयोग से सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का शुभारंभ किया है? अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, IIT मद्रास, ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ में है IIT मद्रास। आज का लास्ट और अंतिम, हाल ही में पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कौन होंगे? तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने हैं आसिम मुनीर। कौन बने हैं? आसिम मुनीर है, ये पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन चुके हैं। तो ये 61 क्वेश्चन थे, आज मैंने करवा दिए। कल मैंने पार्ट नंबर 1 करवाया, उसमें दिसंबर महीने के मैंने चर्चा करवाई। अब अपने आज हमने नवंबर महीने की चर्चा कर ली, कल अपने अक्टूबर महीने की चर्चा करेंगे, तो धीरे धीरे आपको रिवाइज करेंगे। बाकी मैंने जनवरी और फरवरी का रिवाइज आपको दे दिया, वो भी क्लास आप देखें। तो सभी साथी एक बार वीडियो को जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आज पार्ट नंबर 2 हो गया, कल अपने पार्ट नंबर 3 की चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।